गांठ के उपलक्ष्य में अर्ध सैनिक बल अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अभी आप सभी का इस सभा स्थल पर बहुत बहुत पोरबंदर से शुरू होकर राजघाट न्यू दिल्ली तक जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आईपीएस एडीजी वेस्टर्न कमांड बॉर्डर सिक्योरिटी से एवं श्री ईश्वर सिंह यात्रा में भाग ले रहे हैं। ये साइकिल रैली 7 सितंबर 2019 की यह यात्रा सकुशल गंतव्य स्थल पर पहुंचेगी। गुजरात को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने प्रतिभागियों को मनोबल बढ़ाया है। मैं उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण जो स्टेज पर हैं और जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सभी का उपस्थित भारत सरकार के गुरु प्रभात के राज्य मंत्री आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी, पूज्य श्री महात्मा गांधी जी का धरती को प्रणाम करता हूँ। उनके जन्मस्थान पर आकर एक कार्यक्रम में पहली बार मैं भाग ले रहा हूँ। हमारे सांसद महोदय, प्रदेश के ईश्वर सिंह पटेल जी और हमारे करके बाद राजकोट में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर इंग्लैंड में वकालत की। गांधी जी अपना आरामदायक जीवन छोड़कर पूरा जीवन अपने देश के लिए, देश के आजाद के लिए हमारे अतिथिगण स्मृति जी को ग्रहण करते हुए, श्री सुरेंद्र पवार आईपीएस एडीजी वेस्टर्न कमांड के अतिथिगण, हमारे सात मेहमानों को स्मृति प्रदान करते हुए, जाति पिता महात्मा गांधी जी का 150 जयंती अवसर पर भारत सरकार सभी देश में अलग अलग कार्यक्रम उनका सिद्धांत देश में आम जनता के बीच में ले जाने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को फोटोग्राफी के लिए जो जो नॉमिनेटेड है देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी सभी डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया, अपना अपना डिपार्टमेंट्स में महात्मा गांधी जी का 150 जन्मघाट सर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा पैरामिलिट्री एक अच्छे आदर्श पूर्वक कार्यक्रम हाथ में लिया है। गांधी जी जन्मस्थान इस पवित्र स्थान पोरबंदर से आज साइकिल से निकलकर गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट को पहुँचे, ऐसा कार्यक्रम का रचना करके ये लोग लगभग 1300 किलोमीटर
1700 किलोमीटर्स घूमते हुए देश भर में अलग अलग प्रांतों में जनता को मिलते हुए स्वच्छ भारत के विषय पर, अहिंसा के विषय पर जो नरेंद्र मोदी जी का अभी अभी देश के जनता के अपील से वन टाइम यूसेज प्लास्टिक को छोड़ते हुए जो आगे बढ़ना चाहिए लोक जनता, ऐसा प्रचार करते हुए हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस 2 तारीख को दिल्ली में आएंगे। 2 तारीख से लेकर ये 1 साल पूरे भारत सरकार के ओर द्वारा अलग अलग कार्यक्रम हम करने वाले हैं, क्योंकि आज़ाद में अहिंसा की पद्धति में आज़ाद लाने में महात्मा गांधी नेतृत्व में आज ब्रिटिशों से हमारे को आज़ाद मिला है। और देश के नौजवानों, देश के स्टूडेंट्स को ये विषय फिर एक बार गांधी जी के बारे में, गांधी जी की सिद्धांतों के बारे में उनके विचार के लाने, उनके विचार में लाना चाहिए। गांधी जी सिद्धांतों को पूरे भारत सरकार समर्पित भाव से पुनरंकित से काम करेंगे। ये साल में पूरे कार्यक्रम हम गांधी जी के नेतृत्व 151 वर्षगांठ के संदर्भ में हम लेने वाले हैं। पूरे फोर्सेस है, इसमें BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CRPB है, CSF है, और इंडो टिबेटन फोर्स है, असम राइफल्स है, सीमा सुरक्षा है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है। पूरे 7 फोर्सेस इसमें भागीदारी है। ये आज से निकल के 2 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, लगभग 1700 किलोमीटर्स साइकिल यात्रा करेंगे। हमारा सरकार पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें अभी बताए थे आपको, कुछ बहुत कुछ कार्यक्रम साल भर में करने वाले हैं। ये साल भर के कार्यक्रम के 2 तारीख को घोषणा होगा क्या क्या करने वाले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी घोषणा करेंगे ये साल भर क्या क्या कार्यक्रम होगा, प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर लिया। सर, पाकिस्तान की ओर से अभी काफ़ी वातावरण तंगीला हो रहा है, उधर से जो इमरान खान है वो भाषण दे रहे हैं, पाकिस्तान में नारेबाजी हो रही है, लंदन में भी ऐसे ही काश्मीर में जो काफ़ी ऐसा वातावरण, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? सबसे पहले दलित का हवा में लड़ाएंगे, कितना ताली बजा के इसका स्वागत है। हमारे पास शांति का प्रतीक एजेंसी है, ओ भैया साइड में यार, साइकिल रेस का फ्लैग ऑफ होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सामने से जितने फोटोग्राफर हट जाए, कृपया हट जाए, रास्ता छोड़े सर, सर कृपया रास्ता छोड़े सर। इस साइड से साइकिल लगा लेते हैं। सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो साइकिल यात्रा में दिल्ली जा रहे हैं, आप सब लोगों को फिर एक बार हमारे भारत के जनता के ओर से, केंद्र सरकार के ओर से, गुजरात के सरकार के ओर से, मेरे ओर से, प्रधानमंत्री के ओर से, अमित शाह जी के ओर से, आपके पूरे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिसर्स के ओर से आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं।